यूके के हैम्पशायर में रहने वाली एक महिला ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपनी हैरान कर देने वाली प्रेगनेंसी की कहानी शेयर की है। 28 साल की निकोल ने बताया है कि कैसे 8 साल पहले वो बिना सेक्स के ही प्रेग्नेंट हो गई थी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक निकोल जब 18 साल की थी तब वो अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए अचानक निकोल के सीने में जलन होने लगी और चक्कर आने लगे। निकोल को उसकी दोस्त ने प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह दी। निकोल का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल निकोल वर्जिन थी और उसने कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। निकोल ने बताया, मैं टेम्पोन तक का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद हम कभी भी सेक्स नहीं कर पाए क्योंकि मुझे इस दौरान बहुत तेज दर्द होता था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर इसकी क्या वजह है। मैं उस समय डॉक्टर से भी मिली थी और चेकअप के बाद उन्होंने भी कहा कि सब कुछ ठीक है। आखिरकार प्रेगनेंसी चेकअप के दौरान निकोल को पता चला कि उन्हें वेजिनेशनस नाम की बीमारी है। इस मेडिकल कंडीशन में वजाइना की मांसपेशियां इतनी सिकुड़ने लगती हैं कि शारीरिक संबंध बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अपनी प्रेगनेंसी को लेकर वो और हैरान हो गई थी। निकोल ने बताया कि दिक्कत महसूस होने पर उस समय वो और उसके बॉयफ्रेंड इंटीमेट होने के दूसरे तरीके आजमाते थे। डॉक्टर ने बताया कि सेक्स न होने के बावजूद भी अगर किसी तरह स्पर्म या फ्लड वजाइना में चला जाता है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता है और निकोल का मामला उनमें से ही एक है। निकोल को इस बात की भी चिंता थी कि प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उस पर शक करेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और उसने पूरी प्रेगनेंसी में निकोल का साथ दिया। निकोल ने कहा कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान तमाम डॉक्टर्स को उनकी बात का यकीन नहीं होता था। निकोल ने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड हर अपॉइंटमेंट पर डॉक्टर से मिलने मेरे साथ जाता था ताकि वो भी डॉक्टर को बता सके कि हमने वाकई में सेक्स नहीं किया है। रूटीन चेकअप के दौरान प्रेगनेंसी के चौथे महीने में जब डॉक्टर ने मुझे वेजिनेशनस होने के बारे में बताया तो मैंने इसे गूगल पर ढूंढा। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये बस मेरी एक मेडिकल कंडीशन है। बीमारी का पता चलने के बाद निकोल एक वेजिनेशनस थेरेपिस्ट से मिली और उसकी मदद से अपनी मेडिकल कंडीशन से बाहर आ सकी। निकोल ने बताया कि जैसा उसे डर था वैसा नहीं हुआ और डिलीवरी के समय उसे कोई दिक्कत नहीं हुई।